मंगल आचरण मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूम्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्व और सूत्र अध्याय 3 और आज से चलेगा अपना सूत्र नंबर 6। पांचवें सूत्र तक नरक में नारकी जीव किस तरह से दुखी होते हैं इसकी चर्चा अपन ने की। अब छठवें सूत्र में है बता रहे हैं वो जीव कितने लंबे काल तक दुखी रहते हैं। दुखी तो रहते ही हैं लेकिन दुखी रहते हैं तो कितने लंबे काल तक। तो अब उसकी चर्चा आएगी छठवें सूत्र में, जिसको अपन दूसरी भाषा में ऐसा भी कहते हैं नारकियों की आयु कितनी है, उत्कृष्ट कितनी है, जघन्य कितनी है, ऐसा भी कह सकते हैं। या इसके पहले जो हमने कहा कैसा कहा कि वो दुखी रहते हैं तो कितने काल तक दुखी रहते हैं, कितने काल तक दुखी रहते हैं ऐसा कहो, या उनकी आयु कितनी होती है ऐसा कहो, बात तो एक ही है। सूत्र मैं एक बार बुलवाता हूँ और लगेगा दो तीन बार बुलवाऊंगा, आप अच्छे से बोलना। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति ही। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। कितने स्टेप में बोला भी? चार स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तेष्वेक त्रिसप्तदश, फिर सप्तदश द्वाविंशति, तीसरा त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा, चौथा सत्वानाम परास्थिति। ऐसी चार स्टेप में बोलना है लेकिन बोलने का अंदाज रुक रुक के हर स्टेप पे थोड़ा सा पॉज लेना है। क्या लेना है, क्या लेना है? थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेना है। बोलोगे सभी? बोलो। सब्जी बेच रहे सब, ऐसे थोड़ी बोला जाता, अलग अलग आवाज आना चाहिए। मैं एक बार बुलवाता हूं फिर आप बोलना। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। बोलो। इस बार बेटर हुआ लेकिन बेस्ट चाहिए। देखो इसके लिए एक काम करो कि जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, तो फर्स्ट स्टेप में गर्दन ऐसी करना, कैसी
ऐसी जैसे सोने में करते हो ना, तो ऐसी जैसे बोलोगे मैं बोल के बताता हूं। ते स्वेक त्री सप्त दस, सप्त दस द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंश सागरोपमा, सत्वानाम परास्थिति। ऐसा यदि स्टेप बाय स्टेप लोगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बिल्कुल एक साथ बोलेगा। ओके, वन टू थ्री स्टार्ट। देखो हो गया ना काम, बस एक्सरसाइज भी हो गई और काम। ये नहीं मुस्कुरा सकता, देख कैसे देख, साइलेंट पीपल। सूत्र किसी को याद हुआ? चलो दीपक बोलो। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब इसका अर्थ समझे। तेसु एक, इसका संधि विच्छेद करें, तेसु एक, तेसु एक, तेसु माने उनमें, तेसु माने उनमें, उनमें माने किन में, नर केसु, केसु नर केसु, नरकों में। कितने नरक? 84 लाख नरक। तेसु उनमें, उन नरकों में। यहां पे तो 7 जो नरक पृथ्वी है ना, उन 7 नरक पृथ्वी की मुख्यता से ही कह दिया नरकों में। जो कई बार कहीं कहीं ऐसा भी लिखाएगा कि 7 नरक होते हैं, पहली नरक का नाम रत्न प्रभा, दूसरी नरक का नाम शर्करा प्रभा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कई जगह लिखा मिलता है, कई लोग बोलते भी हैं, लेकिन हमारी धारणा में एकदम ये पक्का होना चाहिए कि यदि इनको नरक कह रहे हैं तो समझना क्या है, ये नरक पृथ्वियां हैं। बोलने में कहीं समस्या नहीं, लेकिन समझना भी सही आना चाहिए। तो मान लो हम कहें कि 7 नरकों में, तो अभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को पता है 7 नरक कह रहे हैं, लेकिन समझ क्या रहे हैं, 7 नरक पृथ्वियों में। हाथ क्यों अंदर? तो तेसु माने उन नरकों में, 7 नरकों में। एक त्री सप्त दस, फिर सप्त दस, देखो अलग अलग है, समझना। तेसु एक, एक माने एक, फिर एक के बाद क्या है, त्री, फिर तीन, सप्त, सप्त माने सात, फिर है दस, दस माने दस, फिर सप्तदस, सप्तदस माने 17 है, 17, 17 है, 17। फिर द्वाविंशति 22, द्वाविंशति 22, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33, 33। तो हो गया 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33। कितने हो गए? 7 चीजें बताई ना, 7 स्थान बता दिए। सागरोपमा, जो सागरोपमा है वो सबके साथ लगा देना। तो सबसे पहले एक सागरोपमा, फिर 3 सागरोपमा, फिर 7 सागरोपमा, 10 सागरोपमा, 17 सागरोपमा, 22 सागरोपमा, 33 सागरोपमा। इतनी
सत्वानाम मने जीवों की, सत्वानाम मने जीवों की। सब सत्व शब्द एक जगह और कहीं पढ़ा होगा किसी ने, अरे सत्व सत्वानाम ऐसी, इसका अर्थ जीव, इसी टाइप का शब्द ध्यान हो। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आया था एक बार प्रवचन में, सुबह के प्रवचन में। और भी बता देता हूं, रत्नकरण साहु का चार में सुरवई के श्लोकों में संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। संसार दुखतः सत्वान, संसार दुख से जीवों को, वहां सत्वान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन था, सत्वान माने जीवों को, और यहां है सत्वानाम षष्ठी का बहुवचन माने जीवों की, जीवों की। परास्थिति ही, परा माने उत्कृष्ट, परा माने उत्कृष्ट, स्थिति स्थिति माने आयु, माने उन सातों नरकों में इस तरह से उत्कृष्ट आयु कही गई है। अब लगा लो पहली पृथ्वी या पहली नरक जिसमें नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, एक सागर, कितनी है एक सागर। दूसरी नरक अर्थात दूसरी नरक पृथ्वी कौन सी प्रभा, शर्करा प्रभा, पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा में तीन सागर, शॉर्ट में बोल लेते हैं सागर, और असली शब्द है सागरोपम या सागरोपमा। ये सागरोपम या सागरोपमा क्या है और सागर क्या है, वास्तव में असली तो है सागरोपम, सागर से उपमा देते हैं, माने जो आयु है ना बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, सागरों जैसी। अब बहुत विशाल है तो कैसे बताएं, सागरों जैसी, तो सागर से उपमा दे रहे हैं, किससे उपमा दे रहे हैं, सागर से उपमा दे रहे हैं, इसलिए सागरोपमा। तो इतनी ज्यादा उनकी आयु होती है तो इसलिए सागरोपमा कह देते हैं, सागरोपम भी बोल देते हैं, और संक्षेप में सागर भी बोल देते हैं, कोई समस्या नहीं है, सब एक ही बात है। तो हो गया पहली पृथ्वी में एक सागर, दूसरी में तीन सागर, तीसरी में सात सागर, चौथी में दस सागर, पांचवी में 17 सागर, छठी में 22 सागर, और सातवीं में 33 सागर। माने 33 सागर की आयु सातवीं नरक पृथ्वी में हो सकती है, उसके पहले की नरक पृथ्वियों में नहीं। ठीक है, तो पहली नरक पृथ्वी में कितनी उत्कृष्ट, देखो ये सब उत्कृष्ट बताई हैं, जघन्य भी होती है। जैसे पहली पृथ्वी में कितने पटल हैं, 13 पटल। तो ये जो एक सागर जो बताई है वो 13वें नंबर के पटल की है उत्कृष्ट, कौन से नंबर के पटल की, 13वें नंबर के पटल की। तो पहले पटल की उत्कृष्ट कितनी, नहीं 90,000 सागर, कितनी, फिर से सुनना, मैं प्रश्न क्या पूछा था और उत्तर क्या है। पहले नरक पृथ्वी के पहले पटल की उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष, कितनी, और पहली नरक पृथ्वी के अंतिम पटल की 13वें पटल की उत्कृष्ट आयु है एक सागर।
इसी तरह से आगे आगे की पटलों में लगा के रखना। मैंने पहले पटल में तो हो गई 90,000 वर्ष और अंतिम पटल में है एक सागर। ऐसे ही अब अगली पृथ्वी में पहुंचेंगे तो अगली पृथ्वी में दूसरी पृथ्वी है। उस पृथ्वी की उत्कृष्ट तो है तीन सागर, उत्कृष्ट है तीन सागर। तो कौन से नंबर की पटल की होगी? वो 11वें नंबर की पटल की, क्योंकि दूसरी पृथ्वी में कितने पटल हैं? 11 पटल हैं। तो 11वें नंबर का जो पटल है उसकी उत्कृष्ट है तीन सागर, सब में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही तीसरी पृथ्वी के 9वें पटल की कितनी? 7 सागर। ऐसे सब जगह लगाना, माने अंतिम अंतिम पटल की है उत्कृष्ट, हर जगह की नहीं। नमन आ रहा समझ में? नहीं हाँ कि नहीं? तो नहीं क्यों बोले? क्या बोले? अच्छा, आलस आ रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, क्योंकि आलस ही तो वहां है ही नहीं। अभी तो उनका चुनाव हो गया, जब वो सब ट्रेंड हो जाएंगे तो उनका फिर से प्रमोशन हो जाएगा, वहां से फिर कोई आएगा फिर यहाँ, है ना, नया मेंबर। किसी को अपने ही आप आए, ईमानदारी से आ जाना, वीआईपी चेयर मिलना है, बढ़िया, कोई समस्या तो है नहीं। हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, अभी एक जन बोल रहा था, ये बोल रहा था, जीवेश बोल रहा था, 10,000 वर्ष पहले नरक की, पहले पटल की क्या बोला? 10,000 वर्ष। मैंने क्या बोला? 90,000 वर्ष। तो वो 10,000 वर्ष भी अपन ने सुनी तो है, वो क्या चक्कर है? वो जघन्य है। क्या है? पहले नरक की, पहले पटल की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष, और पहले नरक के पहले पटल की उत्कृष्ट है 90,000 वर्ष, है ना। अपन को तो ज्यादातर इतना ही सुना था, नरकों में उत्कृष्ट होती 33 सागर, जघन्य 10,000 वर्ष। इसके अलावा कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इस तरह से विभाजन हमें जानना है। ठीक, तो 10,000 वर्ष पहले नरक के पहले पटल की जघन्य, बाकी अन्य पटलों में जो अन्य पटल होंगे उनमें 10,000 वर्ष जघन्य किसी की नहीं होगी, सिर्फ पहले नरक पृथ्वी के पहले पटल की जघन्य 10,000, हर जगह की नहीं। कोई सोचे कि 7वें नरक की भी जघन्य 10,000 वर्ष होगी, नहीं होगी। तो 7वें नरक पृथ्वी की जघन्य कितनी होगी? अब वही बता देता हूं, सबकी सुन लो, बहुत सरल है, उत्कृष्ट हो गई, क्लियर सबके। पहली नरक पृथ्वी के अंतिम पटल कौन सा? 13वां, उसकी उत्कृष्ट कितनी? एक सागर। और जघन्य भी जान ली कितनी? 10,000 वर्ष जघन्य, 10,000 वर्ष न्यूनतम। अब दूसरी नरक पृथ्वी की, दूसरी नरक पृथ्वी की जघन्य कितनी होगी? उत्कृष्ट तो अपन ने जानी है कितनी? 3 सागर। तो जघन्य कितनी?
30,000, उधर 10,000 थी एक सागर के हिसाब से, तो यहाँ 3 सागर के हिसाब से 30,000 लगा दो। ऐसी नहीं है, सुनो, कोई बात नहीं, प्रयास किया। पहले नरक की उत्कृष्ट थी, एक सागर थी ना, वो जो एक सागर थी वो एक सागर प्लस एक समय, एक सागर प्लस एक समय, एक दूसरी नरक पृथ्वी की जघन्य होगी। एक सागर प्लस एक समय माने पहली नरक पृथ्वी की जो उत्कृष्ट है उसमें एक समय अधिक कर दो तो दूसरी पृथ्वी की वो हो गई जघन्य। ऐसे ही सब में लगा लेना, दूसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट कितनी है 3 सागर, तो तीसरी पृथ्वी की जघन्य कितनी होगी 3 सागर प्लस एक समय। ऐसी इसी तरह से सब जगह जोड़ते जाओ, कैसे, अब तीसरी पृथ्वी की अपन ने जान ली जघन्य कितनी 3 सागर प्लस एक समय, अब चौथी पृथ्वी की जघन्य कितनी 7 सागर प्लस एक समय, कितनी 7 सागर प्लस एक समय, फिर अगली पृथ्वी की 10 सागर प्लस एक समय, फिर अगली पृथ्वी की 17 सागर प्लस एक समय, फिर अगली पृथ्वी की 22 सागर प्लस एक समय। इस सातवीं पृथ्वी की जघन्य है, सातवीं नरक पृथ्वी की जघन्य आयु है 22 सागर प्लस एक समय, उससे कम किसी की नहीं हो सकती। और सातवीं नरक पृथ्वी की उत्कृष्ट हो गई 33 सागर। क्लियर, माने नियम यह है कि पहली पृथ्वी से दूसरी आदि पृथ्वी में जो उत्कृष्ट है वो अगली पृथ्वी में प्लस एक समय और करो तो वहां पर जघन्य होती चली जाएगी। कठिन तो नहीं लग रहा, सरल है एकदम। होने को तो प्रत्येक पटल के अनुसार भी आयु इसमें लिखी है सारी, है ना, लेकिन वो क्या करोगे सब जान के कि 13 पटलों की पहली पृथ्वी की 13 पटलों में पहले पटल की कितनी, दूसरे की कितनी, तीसरे की कितनी, चौथे की कितनी, सबकी है ना, लेकिन वो फिर सरल सरल सी नहीं है, जैसे अपन ने अभी जान ली ना, फिर वो बटे में आएगी, 1/10, 2/10, 5/10, 2 सही, 3/10, इतने सही, इतने 1/10, तो वो कठिन पड़ जाएगा। तो मूल अपन को जितना जानना था उतना जाना, ठीक है, जघन्य जान ली, उत्कृष्ट जान ली, और फिर हर एक की नीचे नीचे जघन्य और उत्कृष्ट सब पता चल गया। इस तरह से सातों नरक पृथ्वियों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु नारिकियों की कितनी होती है ये अपन ने जाना। बोलिए, पशु पालते हैं उसका पाप बंद, बैठिए। इनका प्रश्न है कि जब ये कल चर्चा चल रही थी परसों नरकों के, है ना, कोई जीव मनुष्य यहाँ कैसे कर्म करता है जिससे नरकों में उसको वैसे फल मिलते हैं, तो यहाँ कोई यदि पशु पालन करता है तो पशु पालन करना अलग चीज है और पशुओं को दुख देना अलग चीज है। यथायोग्य भूमि का अनुसार पशु पालन करते हैं अनेक लोग, उनको भोजन कराना व्यवस्थित, उनका ध्यान भी रखना, और यदि गाय भैंस जैसे हों तो उनसे दूध लेना, धोना, और बैल वगैरह हैं तो उनका उस तरह से खेती बाड़ी में यूज करना।
तो जितना उनकी शक्ति के अनुसार है उतना यदि करते हैं तो उतना तो एक सामान्य गृहस्थों के लिए जायज कहा है। तथापि तत्वार सूत्र में कई जगह आया है अति भारारोपण, है ना, तो अधिक भार नहीं होना, शक्ति से अधिक भार नहीं लादना कि कमाई हो जाएगी। अब दो बैल हैं, मान लो वो दो बैल मिलके 10 बोरे ही ढो सकते हैं, तो अपन ने सोचा यार 15 रख दो, अपनी अच्छी कमाई हो जाएगी। तो बेचारे वो परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, अपन ने 10 के 15 लाद दिए। तो ये जो अति भारारोपण किया उसके कारण से उनको जो तकलीफ होगी, शक्ति से ज़्यादा उनसे ज़्यादा काम कराना, उससे वहाँ पर तकलीफ ज़्यादा मिलने वाली नरकों में। लेकिन जितना यथायोग्य करते हैं या काम में लेते हैं तो उतना तो गृहस्थों के लिए भी कहा है कि पशुपालन कर सकते हैं। ये तो अपने पुरानी परंपरा से ही चला रहा है ना। आदिनाथ भगवान ने भी असी मसी कृषि वाणिज्य आदि, और अपने भरत चक्रवर्ती आदि ने सब इनका उपदेश दिया। तो ये सब मनुष्य लोग करते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन अधिक इनकम हो, अधिक कमाई हो, इसके कारण से उनको अधिक तकलीफ देना, खिलाना कम यूज ज़्यादा करना, इससे तो पाबंद होगा और फिर वहाँ पर नरकों में उसका विशेष फल मिलेगा। बोलिए। हाँ, अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि मांस खाने का फल जो बताया था ना नरकों में, कि एक जिस जो मांस खाता था नारकी, उसका हाथ या पैर जो भी है टुकड़े करके पका के और उसको दूसरा नारकी खा जाता है, तो दूसरा नारकी खा जाता है तो उसके पेट ही में नहीं पड़ा रहता वो। यदि पेट में ही पड़ा रहेगा तो फिर इसका हाथ कैसे जुड़ेगा या कैसे बनेगा? वो तो खाने के बाद उसके कहीं ना कहीं से मुँह से या जहाँ से वो सामग्री जो खाई थी वो सब निकल जाएगी और किसी ना किसी द्वार से निकलेगी और वापस उसके फिर जुड़ जाती है, वापस आ जाती है वो सामग्री। हाँ बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है कि देखो गाय बैल भैंस वगैरह ये तो कुछ प्रयोजन के लिए पालते हैं, उनसे प्रयोजन सत्ता है, गाय से भैंस से तो दूध मिलता है इसलिए पालते हैं, बैलों से खेती के काम में आती है या सामान माल ढोने के काम में आते हैं, लेकिन कुत्तों को क्यों पालते हैं लोग, बिल्लियों को क्यों पालते हैं? माने ऐसा तो कहते देखो कुत्ते का भी यूज होता है, अपने यूज है ना, घर की सुरक्षा के लिए लोग पालते हैं, है ना, उससे पालना चलेगा, वो भी एक कोई ना कोई प्रयोजन है, चोरों से सुरक्षा है, अन्य लोगों से, अनजाने लोगों से सुरक्षा है, तो उसके लिए पालते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई उस रूप में पालते हैं सुरक्षा के लिए नहीं, एक शौक, परिवार का सदस्य है तो हमारा टोनी टॉमी, है ना, कुछ भी नाम रख देते हैं, पूसी सूसी कुछ भी, बहुत सारे नाम है, वैसे एक से एक नाम रख के और फिर उसको पूरे तैयार करना, नहलाना, कपड़े पहनाना, बहुत सारे खिलाना पिलाना, कितने सारी सेवा। मैंने वो एक वो था ना अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर को ध्यान हो, थर्ड ईयर वालों को, पिछले साल जब मैं वो लिख रहा था ना कर्म सिद्धांत का लेख, तो उसमें एक डिस्कस ज़्यादा किया था, तुम लोग थे विपुल को ध्यान होगा, कि उस समय ही उसी लेख में चर्चा ही थी कि कर्म सिद्धांत की, जब कर्म के अस्तित्व की सिद्धि कर रहे थे तो अपने अपने उदय की चर्चा चल रही थी। तो देखो ऐसे भी देखे कुत्ते कि छोटे छोटे कुत्ते, है ना, जो भी दिखाए,
वो कुत्ते तो कोई मैडम के हाथ में गोदी में घूम रहे हैं, और जो मैडम का बच्चा है वो नौकर के हाथ में, वो नौकर के हाथ में वो छोटा सा बच्चा वो खिला रहा है घुमा रहा है, वो मैडम वो अपने बच्चे को नहीं खिला सकती, शर्म आती है, वो कुत्ते को गोदी में खिलाएंगी, मजा आता है उनको। अरे वाह, ये कैसा शौक, अपने बच्चे को पालने में ज़्यादा शौक होना चाहिए कि अब उसको जन्म दिया है तो उसको पालो अच्छे से, उसको लेने में शर्म लगती है और कुत्ते को लेने में स्टैंडर्ड लगता है कि हमने अमेरिका से मंगवाया है, यूरोप से मंगवाया है, फ्रांस का कुत्ता है, जर्मनी का है, माने विदेश का हो तो और महानता। अरे वाह, तो ये ऐसे शौक के लिए और उसका पालन पोषण करके उसमें समय खराब करना ये ठीक नहीं है। हाँ, मान लो ऐसे हों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, तो यदि कहीं ऐसा पालन होता हो तो वहाँ की सेवा के लिए कुछ कर दे, दे दे कर दे, जानवर दुखी ना हो, पशुओं पर दया भाव से, तो दया भाव से उनकी सेवा के लिए यदि कर देता है तो दिक्कत नहीं है ना, उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए, पशु सहायता के लिए। लेकिन उसको घर में लेके पालना और पूरा ध्यान देना और पूरा समय उसके लिए देना और घर परिवार वाले अन्य जो अपने हैं उनसे दूर हो जाना, ये ठीक नहीं है, उससे तो दोष ही है, वहाँ तकलीफ होगी। ठीक है, तो इस पर और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, विषय को बढ़ा रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि इन नरकों में से निकले जीव किन किन विशेषताओं को प्राप्त होते हैं। मानव पहली पृथ्वी से निकले, मनुष्य त्रेंच बने, तो अधिकतम वो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं वहां से निकल के सीधे। दूसरी पृथ्वी से निकले, मनुष्य त्रेंच हुए, तो उनके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वो कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं तो शास्त्री करके निकले तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। कोई कहेगा पानी की दुकान खोल सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, आलू प्याज के समोसे की दुकान खोल सकते हैं, क्यों है? चाट की दुकान खोल सकते हैं, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। ये तो खोलने वाला एकाद हो भी है ना, दुर्लभ प्राणी एकाद अपवाद, तो अलग बात है। लेकिन अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज है। किराने की दुकान खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो इस तरह के अलग अलग फील्ड बताते हैं। इधर भी आके तुम जा रहे हो, और VIP का है कोई, यही चेयर लगा के बिठाएंगे, फिर ऐसे हिलाते रहेंगे, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। फायदा ये, जिसको यहाँ बैठना हो एकदम नंबर वन रैंक पे, तो यहाँ बाजू में चेयर लगाना और फिर यहाँ बाजू में बैठाएंगे उसको। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखा शास्त्री करके क्या क्या कर सकते हैं, अपन ने वो बैनर बनाया ना वहां पे एक अंदर लगा है, तो उसमें कितनी लेक्चर प्रोफेसर IAS IPS और क्या क्या ढेरों चीजें हैं, कई लाइनें हैं, माने ऐसे बन सकते हैं, अधिकतम इस तरह की चीजें हैं। लोएस्ट तो लिखी नहीं, उसमें नहीं लिखा कि कोई किराने की दुकान खोल सकता है, कि गल्ले की दुकान खोल सकता है, कि खेती बाड़ी कर सकता है, नहीं लिखा। ये तो कोई भी कर सकता है, तो उसमें लिखने की क्या बात है, बिना शास्त्री किए भी हो सकता है। लेकिन शास्त्री करके भी और क्या कर सकता है, यहां से ध्रुवधाम से निकल के क्या क्या कर सकता है, ऐसे तो वहां से बता रहे हैं। नरकों से कोई निकला,
तो वहां से निकल के मनुष्य त्रयंश में आए, तो लोएस्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें ऐसा क्या कर सकता है, क्या प्राप्त कर सकता है, वो चीज यहां पर अब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं छठवें नरक से प्रारंभ कर रहे हैं, छठवें, फिर पांचवें, फिर चौथे, फिर तीसरे, दूसरे, पहले, सातवें का सबसे अंत में बताएंगे, ठीक है। छठवें से शुरू करते हैं। छठे नरक से निकले जीव मनुष्य या त्रयंचे में उत्पन्न होकर, छठे से निकलेंगे तो कहां होंगे, या तो मनुष्य में या त्रयंच में आएंगे, दोनों में से किसी एक में, देव में जा नहीं सकते, नरक से नरक में जा नहीं सकते, दो ही रास्ते बचे, मनुष्य और त्रयंच, दोनों में आएंगे, आ सकते हैं, तो उनमें भी देखें क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आए मति ज्ञानी हो सकते हैं, श्रुति ज्ञानी भी हो सकते हैं, अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, माने चौथा गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व माने तीसरा गुण स्थान, और संयम असंयम माने पांचवा गुण स्थान। फिर से बोलता हूं, छह बातें हो गई, मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान, तीन, और तीसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थान, एकदम इजी हो गया। मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान, तीसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थान, इस तरह से ये छह विशेषताओं से युक्त हो सकते हैं। माने कोई सोचे कि वहां से निकले और इतना सब प्राप्त कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि वो जितने उसने पाप किए थे पहले, तो सब वो वहां पर खेरा के आया है अधिकतम, ये मत समझना कि और मार काट की तो और इकट्ठा लेके आया है, तो मार काट करके जो पाप करता था वो भी भोग लिए, उसके पिछले भावों के ही भोग लिए, उस भाव के ही भोग लिए, अब तो स्टॉक खाली करके आया है, पूरा 100% तो नहीं, लेकिन लगभग बहुत कुछ, तो वो सारा भोग के आ गया, खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा होगा, तो अब वो यहां पर आया मनुष्य त्रयंच में फ्रेश, ताजगी के साथ, उसका सारा पाप वहीं खत्म। अभी काल की बात नहीं कर रहे है ना, अभी एक सामान्य बात चल रही है ना। यदि ऐसा इनका कहना है कि पंचम काल में तो अवधि ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा सर्वथा नियम भी नहीं है, क्योंकि पंचम काल में ही अवधि ज्ञान हो सकता है, दिक्कत नहीं है। जब वो मुनि अर्जी का श्रावक श्रावी का चतुर्विध संघ होगा ना पंचम काल के अंत में, उनमें भी अवधि ज्ञान ही मुनि होंगे, है ना, तो दिक्कत नहीं है। पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध नहीं किया है, और मान लो होता, निषेध होता, तो पंचम काल में वो आते ही नहीं, ठीक है। या फिर जरूरी थोड़ी कि सभी कर लेंगे, ये छह चीजें हो सकती हैं, छह में से दो ही हो, तीन ही हो, कोई और विशेष हो तो चार हो जाए, अलग अलग है, अलग अलग जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, माने अधिकतम सामर्थ्य बताई कि अधिकतम सामर्थ्य वाला इन विशेषताओं से युक्त हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। माने पांचवें गुण स्थान तक होगा, छठवें सातवें वाला मुनिराज नहीं बन सकता, माने भावलिंगी संत नहीं हो सकता, कोई छठवें गुण स्थान से निकला हो तो भावलिंगी मुनिराज नहीं बन सकता, पांचवें गुण स्थान तक हाइएस्ट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, हो गया। छठवें नरक से निकला हुआ, अब पांचवें नरक से निकला हुआ, वहां पर त्रयंच मनुष्य कॉमन था, ठीक, त्रयंच मनुष्य कॉमन। अब पंचम नरक से निकले जीव,
अब यहाँ त्रियंच्य मनुष्य का विभाजन अलग अलग करेंगे, ठीक है। छठवे से निकले थे उनमें दोनों कॉमन बात थी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो। अब पांचवे से जो निकला और त्रियंच में यदि आया तो त्रियंच में क्या क्या प्राप्त कर सकता है, ये जो ऊपर जो छह विशेषताएं बताई ना, इन छओं को तो प्राप्त कर ही सकता है। जब छठवे वाला कर सकता है तो पांचवे से निकलने वाला तो और इजीली कर सकता है, क्योंकि छठवे वाला ज्यादा पापी था, पांचवे वाला थोड़ा कम पापी था। तो पांचवे से निकला हुआ जो त्रियंच है वो उपर्युक्त छह विशेषताओं से युक्त तो हो ही सकता है, और अतिरिक्त कुछ नहीं, ठीक है। त्रियंच के लिए उतना ही, मनुष्य के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट है। क्या है? मनुष्यों में उत्पन्न होकर निम्नलिखित विशेषताएं प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं विशेषताएं। वो जो छह बताई थी, छह तो एज इट इज हैं, त्रियंच में भी थी और मनुष्य में भी हैं। उसके अलावा सातवीं सकल संयम, तुम नहीं लिख रहे याद ही करते जा रहे क्या? पूछ लो, थोड़े थोड़े क्यों लिख रहे? कहाँ और इसमें है क्या किताब में? तुम लोगों के पास जितनी किताबें कहीं नहीं है, इसलिए जो बोल रहा हूं वो लिखने में ज्यादा फायदा है। सकल संयम, सातवें नंबर की विशेषता कौन सी? छह तो पता ही है सबको, कौन सी छह दोहराओ? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, है ना, तीसरा चौथा और पांचवा गुण स्थान, ठीक। फिर सातवीं विशेषता सकल संयम, सकल संयम माने छठवा सातवा गुण स्थान। सकल संयम का मतलब छठवा सातवा गुण स्थान। और एक आठवीं विशेषता है मनः पर्याय ज्ञान। इसमें माने पांचवी नरक पृथ्वी से निकला जीव यदि मनुष्य बने, दीक्षा ले ले, तो उसको मनः पर्याय ज्ञान भी हो सकता है। होगा ही, ये नियम नहीं है, लेकिन हो सकता है, यदि पुरुषार्थ करे तो हो सकता है। एक बार दोहरा लो सब फिर से वापस। छठवीं पृथ्वी से निकला मनुष्य त्रियंच कॉमन, छह विशेषताएं, ओके, वही मति श्रुत अवधि, चौथा पांच, तीसरा चौथा पांचवा गुण स्थान। पांचवी पृथ्वी से निकला, अब उसमें विभाजन त्रियंच का मनुष्य का अलग अलग, त्रियंच में तो वही छह और मनुष्य में छह तो वही, और कितनी बढ़ गई? दो और, सकल संयम और मनः पर्याय, हो गई कितनी? आठ। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नरक से निकला, त्रियंच में यदि उत्पन्न हो, त्रियंच में, तो वो जो छह बताई थी पहले वो छह ही की छह, और अतिरिक्त कुछ नहीं। त्रियंचों के लिए उतना ही, ज्यादा सुविधा नहीं है, क्योंकि लॉजिक बताऊं इसमें लिखा है नहीं लिखा, मैं लॉजिक बताता हूं। लॉजिक ये है कि त्रियंच गति के जीव पांचवें गुण स्थान से ऊपर जाते ही नहीं है, चाहे कहीं का त्रियंच हो, चाहे वो पहले नरक से ही निकला हो त्रियंच, तो पांचवें गुण स्थान से ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं, इसलिए वो छह विशेषताओं में अटका है। लेकिन मनुष्य थोड़ा सा अतिरिक्त काम करता है, छठवे वाला मनुष्य
वो छह ही विशेषताओं से सहित था, पांचवे से निकला उसमें दो ऐड और हो गई, सकल संयम और मन परिज्ञान, और चौथे से निकला उसमें कुछ और ऐड हो गया। क्या हो गया? एक और ऐड हो गया, जो पिछली आठ बताई थी, आठ तो वही की वही, और एक और बढ़ गई। कौन सी बढ़ गई? केवल ज्ञान। क्या गजब है! इसका मतलब चौथे नरक से निकला नारकी केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान जिसने लिया उसका मोक्ष पक्का। ठीक, फिर से समझना, हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, तो कोई सोचे कि यार चौथे से निकलने से तो सीधा केवल ज्ञान ही मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, अपन कहाँ चलें? चौथे नरक में चलें। ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे तक की बात हो गई। अब प्रथम आदि तीन नरक से, अब एक साथ कॉमन, पहली दूसरी तीसरी तीनों नरक का कॉमन चलेगा। तीनों नरकों से निकले जीव त्रियंचों में उत्पन्न होकर वही पूर्वत मति ज्ञान आदि छों विशेषताओं से युक्त हो सकते हैं। कहां से निकलकर? एक से तीन। इसका मतलब ये हुआ, एक से लेके छठवीं नरक पृथ्वी तक त्रियंचों के लिए छह ही विशेषताएं बस। त्रियंच में यदि आते हैं तो वो छह चीजें ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कॉमन है, मनुष्यों में बढ़ता चला जा रहा है। छठवीं से छठी में तो वही छह थी, पांचवी में दो और बढ़ गई, चौथी में एक और बढ़ गई, नौ हो गई। अब पहली दूसरी तीसरी नरक पृथ्वी से निकलकर यदि कोई मनुष्य बने तो और क्या क्या प्राप्त कर सकता है? कोई कहेगा केवल ज्ञान जैसी चीज चौथे में मिल, चौथे से निकल के मिल सकती है, उससे बड़ा क्या मिलेगा? सही बात है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पद हैं कि जो पुण्यवान जीवों को ही मिलते हैं, तो वो पद भी ये जीव प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से? तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकते हैं, माने पहले दूसरे और तीसरे नरक पृथ्वी से निकलकर जीव मनुष्य में आए तो तीर्थंकर भी बन सकता है, उसके नीचे वाले कोई भी तीर्थंकर नहीं बन सकते, माने चौथे पांचवे छठे, सातवें वाले तो बन ही नहीं सकते, चौथे पांचवे छठे वाले यदि निकलकर मनुष्य में आए तो तीर्थंकर नहीं बन सकते, पहली से तीसरी पृथ्वी वाले ही तीर्थंकर बन सकते हैं। अभी मैं पूरा करूंगा, पूरा करते ही मैं पूछूंगा कि सारा याद किसको है, ठीक है? दोहरा भी दिया मैंने कई बार, मेरे ख्याल से सबको याद हो जाना चाहिए। अभी और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, देखो छह पृथ्वी तक का हो गया, अब कौन सी बची? सातवीं, सबसे सरल है। सातवें नरक का निकला जीव उपर्युक्त किसी विशेषता को प्राप्त नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता बेचारे को, ना मति ज्ञान, ना श्रुति ज्ञान, ना अवधि ज्ञान, ना तीसरा गुण स्थान, ना चौथा, ना पांचवा, ना छठवा सातवा, ना मन परे ज्ञान, ना केवल ज्ञान, ना तीर्थंकर, कुछ नहीं। तो फिर क्या? क्या बोले, मजा क्यों आया? यस बोला क्या? यस आ गया तो इंग्लिश याद आने लगती है। सुनो,
सातवीं नरक से निकले हुए जीव गर्भज, कर्मभूमिज, संगी एवं पर्याप्तक। एक सेकंड गड़बड़ हुआ, फिर से बोलता हूं, अभी मत लिखना। फिर से बोलता हूं, है ना, ये नहीं लिखा ना, ये मत लिखना। सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव तिर्यंच ही होता है, मनुष्य तो होते ही नहीं। क्या नहीं होता? मनुष्य होता ही नहीं, मात्र तिर्यंच ही होता है। छठी पृथ्वी से निकलने वाले जीव मनुष्य तिर्यंच दोनों हो सकते हैं, और उसके ऊपर वाले भी मनुष्य तिर्यंच दोनों हो सकते हैं, लेकिन सातवीं वाला मात्र तिर्यंच में ही जाएगा, और तिर्यंच में भी आएगा तो वो छह विशेषताएं थी उनमें से एक भी प्राप्त नहीं करता। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, सोच रहे थे कोई पूछे तो, नहीं पूछता तो हम बताते, लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था। आई वॉज वेटिंग समबडी विल आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ ही विल नॉट गेट मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान एटसेट्रा, देन ही विल बिकम जड़। क्या हो जाएगा? मैंने उसके पास मति ज्ञान भी नहीं होगा, श्रुति ज्ञान भी नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा तो जड़ हो जाएगा ना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो दूर की बात, जड़ ही ज्ञान ही नहीं होगा कोई भी। इसका उत्तर यह है कि वह मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी तो नहीं होगा, लेकिन कुमति ज्ञानी कुश्रुति ज्ञानी होगा, क्योंकि मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी किसको होते हैं? सम्यक दृष्टि को होते हैं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान किसको होते हैं? सम्यक दृष्टि को। तो अभी जो बता रहे थे ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान, वो किसके लिए कह रहे थे? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान केवल ज्ञान, ये पांच क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि को होते हैं। लेकिन कुमति ज्ञान कुश्रुति ज्ञान कुअवधि ज्ञान, ये तो मिथ्या दृष्टि को होते हैं। तो सातवीं नरक पृथ्वी से निकलकर यदि तिर्यंच में आता है तो वह मिथ्या दृष्टि ही होता है, और मिथ्या दृष्टि में कौन सा? तिर्यंच गति का ही जीव होता है। ठीक है। मतिश्रुत में ही आता है। हाँ, इनका प्रश्न है कि जो अक्षर का अनंतम भाग जो ज्ञान होता है वो किस में आता है? वो मतिश्रुत में ही आता है। वो तो निगोदिया को कहा है अक्षर का अनंतमा भाग, उतना जघन्य से जघन्य उतना ज्ञान तो होता ही है, उतना भी ना रहे तो जीव जड़ हो जाए। ये कौन है, धीरज है कि सूरज है? कुछ हो रहा था क्या? पक्का? कोई बात नहीं, भरोसा है तुम पे, बनाए रखो। अब इसमें एक दो विशेषताएं और बता रहा हूं सातवें नरक से निकले जीवों की, ठीक है, दो विशेषताएं और, एक अपवाद मार्ग वाली। कौन सी है मार्ग वाली? अपवाद मार्ग। तलोय पंडित ग्रंथ में लिखा है कि सातवीं पृथ्वी से निकले जीवों में विरले ही सम्यक्त्व के धारक होते हैं। फिर से सुनना, सातवीं पृथ्वी से निकले विरले ही, बहुत कोई एक आध है ना, कदाचित सम्यक्त्व प्राप्त कर ले, नहीं तो 99% नहीं कर पाते। ठीक,
बोलिए। हाँ उसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि तीर्थंकर बनना हर किसी के बात की थोड़ी है, कोई कोई ही रहते हैं। और एक और विशेषता सातवें नरक पृथ्वी की, ऐसा भी होता है कि सातवें नरक से कोई निकले और त्र्यंच में आए, और त्र्यंच में आकर फिर सातवें नरक में चला जाए, ऐसे भी जीव होते हैं। क्या कहा? सातवें नरक से आए त्र्यंच बने और त्र्यंच से फिर सातवें नरक में चला जाए, ऐसे भी जीव होते हैं, ये तत्वार सार में लिखा है। ठीक, इस तरह भी समझना। बोलिए फिर से। बाकी किसी पृथ्वी में ऐसा उनमें तो हो सकता है ना, उनमें कोई समस्या नहीं है, इनमें ज्यादा संभावना है इस वाले में। अभी एक वो बताएंगे कि पृथ्वी कौन सी पृथ्वी से निकल के दोबारा किस पृथ्वी में वापस जा सकता है, किस में नहीं जा सकता है, इस तरह की चर्चा भी है। अभी तो अपन ने देखा कि अच्छा चलो अभी मैं पूछ लेता हूं जरा, ठीक है, हो गया आज तो टाइम, पता ही नहीं चला, खिसकाई तो नहीं किसी ने? अच्छा, और 10 मिनट लेट चालू भी हुआ था, है ना, तो वैसे तो हो ही गया फिर भी टाइम, मुझे लगा कि अभी 15-20 मिनट ही हुए होंगे, मैं टारगेट बना के आया था कितना लेना है। कोई बात नहीं, 2 मिनट में ये जो अपन ने पढ़ा ना उसका ही रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, अब आगे नहीं पढ़ाते, आगे अगला कल से पढ़ाएंगे। सातों नरक से निकलकर जीव क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहला, छठे नरक से निकला नारकी कहाँ कहाँ जा सकता है? मनुष्य और त्र्यंच, सही जवाब। दूसरा प्रश्न, त्र्यंच में यदि होगा तो कितनी विशेषताएं प्राप्त कर सकता है? 6। कौन कौन सी? ठीक है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थान। और यदि मनुष्य में आया तो मनुष्य में भी यही, माने छठे नरक पृथ्वी से निकलकर मनुष्य या त्रेंच में किसी में भी आए, ये 6 विशेषताएं ही प्राप्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, कम तो कितनी भी हो सकती हैं और अधिकतम 6। 5वीं नरक पृथ्वी से निकले यदि त्रेंच में आए तो कितनी? 6। मनुष्य में आए तो 2 बढ़ जाती हैं, सकल संयम और मन पर ज्ञान। 4थी पृथ्वी से आए तो मनुष्य में, त्रेंच में आए तो वही 6, और मनुष्य में आए तो एक केवल ज्ञान और बढ़ जाता है। अब पहले दूसरे तीसरे नरक पृथ्वी से आए त्रेंच में यदि आए तो वही 6, और मनुष्य में आए तो तीर्थंकर भी बन सकता है। ये तो हो गई पहले से 6 पृथ्वी तक। 7वीं पृथ्वी का क्या नियम है? 7वीं पृथ्वी से निकलकर मनुष्य में तो आता ही नहीं, त्रेंच ही होता है, ठीक है, और इन 6 विशेषताओं में से एक ही विशेषता प्राप्त नहीं करता है, फिर भी 2 विशेषताएं बताई, कौन सी? एक अपवाद वाली कि कोई विरले ही होते हैं जो सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, इत्तलोय पंडित ग्रंथ के अनुसार और तत्वार सार के अनुसार, 7वें से आके त्रेंच में आए और वापस
फिर सातवें में चले जाते हैं। इस तरह है नरक से निकलकर यह जीव किन गतियों में आ सकता है और कहाँ कहाँ किन किन विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, इसकी चर्चा अपन ने की। अब आगे अपन बात करेंगे कल कि वहाँ से निकलकर नरकों से किन किन विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी तो कर सकता है बता दिया, अब नहीं कर सकता है वो जानेंगे। और फिर और भी नरकों में कितने बार जा सकता है, वहाँ से और भी क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातों की चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी का समय हो गया।